हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी अभी आप लोग बोलोगे भाई कहाँ हैं, तो भाई ये रहे, अभी अभी एक व्लॉग हम लोगों ने एंड करा है, एक व्लॉग स्टार्ट करा है, ये रहे भाई। और अभी हम लोग ऐसी बाइक पर बैठे हुए थे और ऐसी ग्राउंड में आए हुए थे, और यहाँ पे और आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा होगा यहाँ पे पतंगे बहुत सारी उड़ रही हैं। देखो आसमान पे कितनी पतंगे उड़ रही हैं। तो अभी भाई ये देखो आगे लेके जा रहे हैं बाइक, तो अभी हम लोग बाइक पर बैठ जाते हैं। भाई भाई पतंग कट गई। वो देखें ऊपर, वो जो उल्टी दिख रही है ये ऊपर पतंग कट गई है भाई। और अभी हम लोग जाते हैं आगे, तो चलिए चलते हैं आगे। सो गाइस, आज आपने इंट्रो माशाल्लाह देख ही लिया होगा कैसा था। और अभी हम लोग जा रहे हैं बाइक पर आगे, और गाइस हमारे पीछे बैकग्राउंड इतना जबरदस्त आ रहा है, अगर मैंने अपना कैमरा इधर करा तो बैकग्राउंड सब आएगा। दिखाऊं, देखो वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार। ये बैकग्राउंड ऐसा आ रहा है, चलो अच्छी बात है, कचरे वाला आया है गार्बेज। सो गाइस, हम लोगों ने नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, मैंने वो इसलिए जल्दी स्टार्ट कर दिया कि जल्दी स्टार्ट करने से ये होता है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मेरी पता चलेंगी, तो इसलिए उसमें मज़ा आएगा आपको, कुछ चेंजिंग आएंगी। और अवतार और शहर इसलिए नहीं दिखा रहा, मैं खुद नहीं दिखा रहा कि आप लोग बोर ना हो जाए। तो अब मिलते हैं हम लोग आगे चल कर, और ताग मार्क्स नहीं है इस चीज़ पर, ये बैठेगा घर पर जाके के, और मार्क्स तो किसी का भी नहीं है मेरे अलावा। देखो अवेश, मार्क्स कहाँ है? फिलहाल मास्क पहनना चाहिए ना। पतंग कट गई तुम्हारी? गाइस का भी यूट्यूब पे चैनल है, ये लोग गेम वेम खेलते GTA 5, और इसका तो पूरा अच्छा सेटअप बना हुआ है। और कौन सा पीसी है? गेमिंग पीसी। गेमिंग पीसी है, प्रो प्लेयर है यार ये, पबजी खेलते हैं, GTA 5 खेलते हैं। और कुछ बोलना चाहेंगे आप? और गाइस ऐसे सागर भाई को लाइक करो, सपोर्ट करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू। मेहनत करता है रोज, साथ आए पूरा हफ्ते रोज व्लॉग डाल रहा है बंदे, सपोर्ट करो बंदे का, मुझे तो पता ही नहीं था। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं इसी खुशी में इसका लिंक डालूंगा चैनल का। अब इसको जाके सपोर्ट करिएगा गाइस आप। बताओ अपना, बताओ सब। मेरे चैनल का नाम है वाचू गेमिंग, अभी तो फिलहाल मैं नहीं डाल रहा वीडियोस, लेकिन जब कंटिन्यू करूंगा मेरे को भी सपोर्ट करो। सागर भाई आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, दे दूंगा भाई, आप लोग अवेश की भी देखिएगा। सो गाइस, अंकल अभी मांझा कटा है, ओ पर अंकल ही गर्दन में लगा, दिखा इनके इनके मांझा लगा इस बच्चे का उन्हीं गर्दन में, वो उसको अभी गाली अब के गाए। तो गाइस बच्चे यार, अब ग्राउंड में नहीं उड़ाए तो कहाँ उड़ाए, ग्राउंड में उड़ा रहे हैं। अब ग्राउंड में से भाई आप जा रहे हो, देख लो पतंग उड़ ली हर जगह। तो राफे इधर आओ, राफे इधर आओ, राफे इधर आओ। गाइस ये राफे ताहा का दोस्त, बहुत अच्छा बच्चा ही है। गाइस राफे व्लॉग देख रहे हो? कैसा लग रहा है व्लॉग? राइट लग रहा है ना, डेली व्लॉगिंग कर रहा हूँ ना मैं यार, फिर भी लाइक नहीं कर रहे तो बोलो यार, लाइक वाइक करें, लाइक वाइक करो, कमेंट करो। अच्छा ही बताओ कि वो अपने पीछे की तुम कब से करवा रहे हो? संडे को। सो गाइस राफे के घर के पीछे पूरा, राफे और इसके भाई उन्होंने पूरा अच्छा बहुत सेटअप बनाया, वहाँ पे गाय बिल्ली डॉग्स सब कुछ है, मोर वगैरह सब है। तो चलते हैं फिर किसी दिन, विजिट करते हैं वहाँ पे, हमें वहाँ पे राफे विजिट करवाएगा, क्योंकि सब चीज़ें राफे की पली हुई हैं, क्योंकि हमारे डॉग वगैरह भी भाई डेंजर एरिया है वो। तो राफे के साथ जाएंगे और राफे के साथ ही घूम के आएंगे, और राफे ही वहाँ व्लॉग बनवाएगा हमारा। सो मिलते हैं फिर हम लोग, आई होप आप लोग उस व्लॉग में मज़ा आएगा बहुत, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको नज़र आएंगी, बहुत अच्छी चीज़ें दिखेंगी आपको। सो गाइस मिलते हैं हम फिर आगे चल के, देखते हैं आगे क्या होता है। गाइस ये था वो करवाते हुए, आमीन। कोरोना वायरस बीमारी जल्दी से चले जाए, आमीन। मेरी पूरी पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको सेहत और जिंदगी दे, आमीन। आमीन। इस पूरी दुनिया में सुकून और सो गाइस
आ गया हूँ मैं वापस अफ्तारी मैंने कर ली है। सो अब हम करते हैं बिरयानी की अनबॉक्सिंग। सो दिखाता हूँ मैं आपको मैं कैसे अनबॉक्सिंग करता हूँ बिरयानी की। हम चलते हैं बिरयानी की अनबॉक्सिंग करने, क्योंकि रोज़ा खोलने के बाद सो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, बिरयानी मुझे चाहिए। अफ्तारी तो अफ्तारी होती है, रोज़ा तो इफ्तारी हम लोग मैंने, क्योंकि रोज़े में तो सिर्फ इफ्तारी ही करते हैं ना बंदा। तो मोमा प्लेट वाली बड़ी वाली प्लेट है, स्पून है ये वाली, नहीं वो वाली दूसरी वाली, नहीं ये वाली नहीं, वो ही चाहिए। सो अब हम करते हैं अनबॉक्सिंग, और अनबॉक्सिंग देखिए मैं कैसे करता हूँ, तरीके से बिल्कुल टेक्निक। और इसको हम क्या करते हैं स्टैंड पर लगा कर इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। देखिए हमने अनबॉक्सिंग करी, ये थोड़े से सामान है, इसको मुझे माइक्रोवेव में गर्म करनी पड़ेगी, इसमें स्पून आ गया ये रहा। सो देखिए गाइस ये करा, और ये देखिए ये, इसे बोलते हैं टेक्निक, इसे बोलते हैं जो बिरयानी खाने वाला होता है ना, बिरयानी खाता रहता जो, ये उसको होती है टेक्निक। मैं तो बिरयानी लगा रुक गया। तभी हम स्पून रखते हैं, इससे हम थोड़ा साफ कर लेंगे। एक एक चावल का दाना मेरे लिए बहुत कीमती है। सो ये वाला स्पून मेरा है। अब पहले हम करते हैं माइक्रोवेव में गरम। सो माइक्रोवेव में मैं गरम करता हूँ, और मैं खाकर आप लोगों से मिलता हूँ, या मैं खाऊँ आप लोगों के साथ, पेट में दर्द तो नहीं होगा ना। अरे कॉमेडी में ये माइक्रोवेव ऑन करें प्लीज। ओह चावल गिर रहे हैं, करना माइक्रोवेव खोलें। सो गाइस माइक्रोवेव में गरम करता हूँ, ये रख दिए मैंने माइक्रो में रख दिए, अब मैं करता हूँ गरम, और मैं खाकर आप लोगों से मिलता हूँ। सो गाइस आ गया हूँ मैं नमाज़ पढ़कर असर की। सो गाइस आज फिर सब जा रहे हैं इफ्तार पार्टी में, मेरी बराबर में मेरी खाला घर है, उनके घर पर इफ्तार पार्टी है, तो सब वहाँ जा रहे हैं, मैं नहीं जा रहा। सो आज फिर अकेले रोज़ा खोलना है मुझे, चलें कोई बात नहीं, नसीब में जब हो तो। सो गाइस मैंने ना यहाँ बाहर की सफाई करी थी रात में, कल मैंने आप सबको इसलिए दिखाया क्योंकि बहुत अंधेरा होता, कुछ फ़ायदा नहीं था दिखाने का, तो जो सफाई मैंने करी थी वो मैं दिखाता हूँ अभी, मैंने क्या मतलब क्या करा है। और मैंने यहाँ फर्श भी धोया वाला, और अभी फिर ये फिर तहाने भी धोया सुबह पानी डल के, मतलब अभी थोड़ी देर पहले। सो मैं दिखाता हूँ आपको कहा भाई ने क्या करा है, और ये मैंने क्या करा है वो मैं दिखाता हूँ। तहाने में पानी डाला है, और बहुत ज़्यादा डाल दिया पानी, और ये देखें ये मेरे बोल। सो गाइस मैंने जो सफाई करी थी वो ये करी थी, ये देखें ये वाइट जो टाइल देख रहे हैं ना अब मार्बल, ये मेरे घर में रखे हुए थे एक्स्ट्रा, तो मैंने सोचा ये यहाँ यूँ बना दूँ ऐसे करके। ये पहले तो पूरी जगह ये साफ़ करी, यहाँ इतने बड़े बड़े पत्थर देखें सामने, वो देखें वहाँ भी पड़े, मतलब यहाँ भी पड़े थे, यहाँ वाले पत्थर उठा के सब मैंने सारे वहाँ फेंके, वो देखें बोरियाँ भर के पूरे यहाँ के, ऐसे बड़े बड़े पत्थर उठा के सब वहाँ फेंके। उसके बाद फिर मैंने सोचा ये जब यहाँ ग्रास है घास हैं तो उनको पूरा एक बाउंड्री बना के, ताकि इस जगह पर अगर मैं बाइक भी लगाऊं तो सही हो जाएगी भी। तो ये जगह जो मैंने यूँ बना दी, उसके बाद मैं सोचा यहाँ हम लोग फर्श करवा लें, सोचा अभी देखें अल्लाह मालिक होता ही नहीं होता, लेकिन ये जगह भी साफ़ हो गई है। अभी रात में मैं थोड़ा सा और साफ़ करके इसमें इसको लेवल करेंगे, यूँ करके इसको लेवल करके, तो यहाँ हमारी बाइक बिल्कुल सीधी लग सकती है, ऊपर लाने की ज़रूरत नहीं, वरना मैं बाइक लाता हूँ और मेरी बाइक यहाँ लगती है इस जगह पर, नुमाइश होती है। तो इसलिए ये जगह साफ़ हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा, ईद भी आ रही है। और यहाँ जो ये जो यहाँ की ये जो जाली है ना, ये यहाँ की जो टूटी हुई है, ये यहाँ की ऐसे टूटी थी, ये मेरे दोस्त हैं माशाल्लाह से, वो मुझे बुलाने आए, उन्होंने यूँ हाथ रख के उस पर पुशअप्स लगा रहे थे वो ऐसी यूँ आ गई जाली। सो खैर अभी हम ये जाली भी लगाएंगे, तो घर का काम हम करना चाहिए वैसे, साफ़ सुथरा रहता है। तो मिलते हैं फिर हम लोग अफ्तारी में, आप लोगों के साथ रोज़ा खोलूँगा, क्योंकि आज कोई भी नहीं घर में, तो आप सबके साथ रोज़ा खोलूँगा।
तो वो गाइस घर के अंदर में आया, घर के अंदर आके मैंने बोला मम्मा मेरे लिए समोसे बना दें। समोसे मुझे मम्मा के आके बहुत पसंद है, सबसे ज़्यादा समोसे पसंद है। मैं इफ्तारी में मैं समोसे और टैंक बस, चाट भी अपने चाट रात में खाता हूँ मैं, तो इफ्तारी के लिए समोसे। तो मैंने कहा मम्मा आप समोसे मेरे लिए बना दें, मैं फ्राई कर लूँगा। तो समोसे भी बनाए और रखे हुए, तो मैं अगर चले दिखाता हूँ मैं आप लोगों को समोसे भी कि समोसे कैसे बने। पहले मम्मा मैंने कल समोसे बनाए थे वेजिटेबल और चिकन के, लेकिन मैंने आज जो बनवाए वो आलू के बनवाए, आलू और वेजिटेबल चिकन दोनों के बनवाए। तो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो समोसे लेकर मैं आ गया और मैंने सोचा था वो दिखाऊं। समोसे ये रहे, देखें चार समोसे हैं, दो आलू के, दो वेजिटेबल चिकन के। सो ये मैं चारों मैं ही खाऊंगा, क्योंकि टैंग और ये और चाट तो मैं खाता हूँ रात में। चाट थोड़ी सी खाता हूँ, बिल्कुल थोड़ी सी खाता हूँ, वो खाता हूँ मैं रात में। पकौड़े वगैरह मुझे इतने पसंद नहीं है, आलू के पकौड़े खा लेता हूँ मैं थोड़े से। सो अभी हम फ्राई करेंगे और मैं आप सबको भी दिखाऊंगा कि मैं कैसे फ्राई करता हूँ, जलाता हूँ या क्या करता हूँ। सो फिर मिलते हैं हम लोग फ्राई करते हुए। अभी तो बहुत टाइम है, मैं सोचा छत पर कि पतंग उड़ाऊँ, लेकिन देखते हैं, चले लेट्स सी। सो गाइस वापस मैं इसलिए आया कि मैंने यार घर वाले सब बोल रहे हैं कि तुम भी चलो घर पे, गए हो अकेले बोलोगे क्या होगा, तो सब बोल रहे हैं चलो, बड़ा बोल रहे हैं। तो मेरा तो नहीं चाह रहा जाने का कि घर पे रहूँगा सुकून से, तो लेकिन सब बोल रहे हैं तो फिर जाना पड़ेगा। तो अब कैंसिल समोसे फ्राई करना और समोसे खाना, तो हम कल खाते हैं और मैं कल आपको दिखाता हूँ मैं फ्राई करते हुए। सो इस लोग को करता हूँ मैं यहीं पर ही एंड, क्योंकि मुझे रेडी होना है। तो आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन तोड़ दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।